प्रयागराज थाना फूलपुर क्षेत्र अंतर्गत हुई घटना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज द्वारा दी गई बाइट। ब्यूरो चीफ सुशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। यह पूरा मामला ग्राम ढोकरी थाना फूलपुर जिला प्रयागराज का है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि ढोकरी गांव में एक घर में दो लोग मृत अवस्था में हैं। उस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें मैं फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे थे। मौके पर जाकर के पता चला कि एक ललिता देवी हैं जिनकी उम्र 80 साल है, वो मृत अवस्था में तख्ते पर पड़ी हैं। इसके आगे जाने पर आंगन में बाटन के सहारे एक साड़ी के फंदे से लटके हुए अरविंद मौर्य हैं, उनकी बॉडी हैंगिंग पोजीशन में पाई गई। मौके से नौ पेजेस का सुसाइड नोट पाया गया, जिसमें से 7 पेजेस एक कॉपी में लिखे हैं, जबकि 2 पेजेस एक स्टाम्प पेपर जैसी चीज पे लिखे हुए हैं। कुल 9 पेजेस का सुसाइड नोट पाया गया है, जिसमें पत्नी समेत ससुराल पक्ष के कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। साथ ही साथ एक व्यक्ति जो इसी गांव का है उसके बारे में भी आरोप लगाया गया है। इस प्रकार से कुल 8 लोगों के ऊपर प्रथम दृष्टया आरोप लगाया गया है, जिनमें से 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ करना शुरू कर दिया है। शुरुआती पूछताछ और जांच में बात सामने आई है, जैसा कि इन्होंने सुसाइड नोट में आरोप लगाया है, कि इनकी पत्नी का अवैध संबंध कहीं पर था, ऐसा बात उन्होंने लिखा है। साथ ही साथ इनका घरेलू विवाद काफी दिनों से चल रहा था और ससुराल पक्ष से काफी ज्यादा पीड़ित और प्रताड़ित थे, परेशान थे, जिसके कारण उन्होंने ये कदम उठाया है। ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही हैं, क्योंकि दादी के शरीर पे जाहिरा चोट का निशान नहीं है, तो हो सकता है उनको कोई नशीली गोली या कोई जहरीला पदार्थ भी दिया गया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये सारी बातें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। पोस्टमार्टम कराने के लिए दोनों बॉडीज को मोर्चरी रवाना कर दिया गया है, बाकी तहरीर लेकर के आगे की कार्रवाई की जाएगी। तहरीर में जो तथ्य सामने आएंगे, सुसाइड नोट में जो चीजें हैं, अन्य साक्ष्यों के आधार पर, अन्य सबूतों के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा।